अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चंपा गली खाना लगा दो मेरा। सबको यहां इतला माटे बुलाया कि घर का कोई भी सदस्य हवे तोरल को दवा नहीं देगा। मैं पोते जिम्मेवारी लूंगा इसकी दवा दारू का। नानका तू क्यों परेशान हो रहा है, हम सब लोग हैं ना। मैंने बोला ना मुठी बहन, इसके दवा दारू का, इसके खाने पीने का, उसके उठने बैठने का हर चीज की जिम्मेवारी मेरी है। अच्छे ऐसा नहीं बोलता कि आज सुधी तोरल के साथ जो होता आ रहा है वो हमारे घर के किसी सदस्य ने किया है, पर इसकी रक्षा करना हो मेरा उत्तरदायित्व है, उन्हें मैं करूंगा। तिजोरी की चाबी दे। ₹5,000 का हिसाब बाद में ले लेना मुझसे। ले बा, तोरल की दवा मंगा लेना। मैं तुम्हें पसंद करता हूं मोंगी, यू जस्ट टेक योर टाइम, तुम्हें जब भी ठीक लगे, जब भी तुम्हारा दिल कहे मुझे कह देना। मोंगी वो बिरवा मैम अपने कैबिन में नहीं है। मैं यहां बिरवा से नहीं, तुमसे मिलने आया हूं।
तो क्या सोचा तुमने? सोचा किस बारे में? जो कल हमने बात की थी उसके बारे में। वो मैं पता नहीं। अच्छा, पता नहीं? तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखो देखो, ये बिरवा मैम का कैबिन है। मैं तुमसे यहां ऐसे तो कहां कर सकते हैं, जहां तुम चाहो। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो कहो क्या सोचा तुमने? मैंने कुछ नहीं सोचा और ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ठीक है, तो कह दो कि तुम मुझे नहीं चाहती तो मैं यहां से चला जाऊंगा। कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। बोलो। देखो, तुम्हारा यूं चुप रहना मुझे बहुत कुछ कह रहा है। बस एक बार कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं तुम्हारी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आई प्रॉमिस। बोलो। देखो तुम जाओ यहां से प्लीज। मैं जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम शायद जानते नहीं कि कंसाइनमेंट मेरे लिए कितना जरूरी। जवाब भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहो मुंगी, क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। हाय। मैं वो गेट लॉस्ट। चंपा करीब, ये मिठाइयां किसके लिए? वो मालिक के लिए। मालिक के लिए? पर उनको तो शक्कर की बीमारी है ना, तो मेरी मिठाइयाँ? आपके जाने के बाद मालिक बहुत लापरवाह हो गए हैं। खाने से ज्यादा मीठा खाते हैं। बा ने कई बार मना किया पर वो किसी की सुनते ही कहाँ हैं। मेरी क्या औकात कि मैं उन्हें रोक सकूं? अब मैं जाती हूँ, देर हो जाएगी तो मालिक गुस्साएंगे। जब आप जानते हैं कि ये जहर है तो फिर क्यों खाते आप इसे? ए, ये धर्म पत्नी होने का खोटा अधिकार मुझ पर मत जताओ। ये मेरा शरीर है, मेरा जीवन है। जैसे मैं विचारूंगा वैसा करूंगा, जो इच्छा होगी वो खाऊंगा, समझी तू? मुझे भी ढोंग करने का कोई शौक नहीं है, पर अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा? इसीलिए जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते, आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। चिंता मत कर, अपने संतान को उनका उचित अधिकार दिलाने से पहले मैं यह संसार छोड़ के नहीं जाने वाला, समझी? पर अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे अधिकार और मेरे पैसे का क्या होगा? इसीलिए जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते, आपको जीवित रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद आपकी मर्जी। कसम,
माफ कीजिए माली, आप भले ही मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं आपको अपने जीते जी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता नहीं देख सकती। मान गए मालकिन, सच कहा था आपने। सीधे सीधे अगर आप किसी से अपनी बात कहती तो कोई नहीं मानता, पर जिस तरह आपने मालिक को फिर से मालिक होने का एहसास दिलाया, कमाल है। बहुत अच्छा किया मालकिन आपने। चंपा कहीं अच्छा तो तब होगा जब हम तुम्हारे पति से मिलेंगे और ये जान लेंगे कि वहाँ क्यों और किससे मिलने आता है। ये तो मैं अपने पति से जानकर ही रहूंगी मालकिन, उसे बताना ही होगा। समझ नहीं आता चंपा कली, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? इस घर के लिए तुम अपने पति से भी। मालकिन लगता है वो आ गए। ये पैसे मुझे दो, मैं जाती हूं। जल्दी से दे पैसे। अरे दरवाजा क्यों खोल रही है? अरे ला बाकी के पैसे जल्दी से दे। अरे भैरी हो गई क्या? समय नहीं है। अरे नाटक क्यों कर रही है? अरे ये घूंघट क्यों लिया तूने? बताओ कि सच क्या है? तुम्हारा भेदअब खुल चुका है। बताओ मुझे कि तुम यहाँ रोज किससे मिलने आते हो और क्यों? तुमने वो बूढ़ी किसको दी, किसके लिए? तुम जानते हो कि मैं धर्मपुर की मालकिन हूँ। अगर तुमने मुझे सच बताया तो माफी देने का अधिकार मैं रखती हूँ, और अगर तुमने मुझे झूठ बताया तो तुम्हें दंड देना मेरा कर्तव्य है। बताओ, बताओ कि सच क्या है? अगर तुमने नहीं बताया तो ये बात मालिक तक पहुंचेगी। अरसा चुंगलवाना मालिक को बहुत अच्छी तरीके से आता है।
चंपाकली चंपाकली पानी पानी इतने सालों मैंने इस परिवार के हर सदस्य का ख्याल अच्छी तरह से रखा, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग मुझ पर उंगली उठा सके। और मेरे पति के कारण मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं हूँ। बात साहब जो कहती थी कल मैं आज मैं okay. नहीं चंपा कल, मैंने कहा ना तुमसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कभी कभार गलती हमसे जुड़े हुए लोग करते हैं और दंड हमें भुगतना पड़ता है। हमारी जबान कुछ कह जाती और चाटा हमारे खाल पे पड़ता है। तुम चुप हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी, दोष तुम पर नहीं आएगा चंपा कली। पर उससे पहले मुझे कुछ सोचना होगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो चंपा कली, तुम्हारे घर चलो। चंपा के लिए यहाँ तो ताला है। लगता है मालकिन केदार आए नहीं। आप परेशान मत होइए, एक चाबी उनके पास रहती है और एक चाबी मेरे पास, मैं खोलती हूँ ताला। चंपा के लिए हमें ठीक से देखना होगा, शायद हमें कुछ मिल जाए और पता चल जाए कि तुम्हारा पति आखिर करता क्या है। ठीक है मालकिन, आइए चलो। वही बुढ़िया चंपा कली तो तुम्हारा पति कर रहा था। इसमें क्या होगा मालकिन? ये तो वैद्य जी बता सकते हैं कि इसमें असल में क्या है। ये आपको कहां से मिला? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर पहले मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई गर्भवती महिला ये खा ले तो क्या होगा? गर्भवती महिला अगर इसका सेवन करेगी तो उसका गर्भपात हो जाएगा। का डर था वही हुआ, मेरा शक ठीक निकला। इसका मतलब घर में कोई ना कोई है जो तुम्हारे पति से ही दवाई मंगवाता है। बेचारी तोरण अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोच के दवाई खाती पर हमेशा उसका गर्भपात हो जाता है। जो भी है वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। पर अब वैसा अपराध नहीं कर पाएगा वैद्य जी, क्योंकि वो जो भी है मैं उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगी। मैं रोकूंगी ये सब, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर ये बात आप अपने तक ही रखना वैद्य जी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। चलो चंपा गली, तुमने कहा है ना तुमने इतने साल उस घर का नमक खाया, तो अब समय आ गया उसकी कीमत चुकाने का। मैं समझी नहीं मालकिन। हमारा लक्ष्य है कि हम तूरल के बच्चे को बचा सके और अपराधी तक पहुंचे। अपराधी तुम्हारा पति नहीं है, अपराधी तो वो है जो उससे वो पुड़िया लेता है। और ये बात तय है कि वो हमारा घर का ही कोई सदस्य है, इसलिए हमें ये बात सबके सामने लानी ही होगी। इस बार
सूरज के बच्चे के साथ कोई भी अनहोनी होने से बचा सके। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अग्नि परीक्षा दे सकती हूँ? अग्नि परीक्षा? कल सुबह होते ही वो घर का सदस्य जो तुरंत का गर्भपात कराना चाहता है उसे मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।